हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि भारत का बजट हाल ही लागू हुआ, अर्थात कल ही लागू हुआ है, परसों। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर रेलवे विभाग को कितना, दिल्ली के रेल परियोजना के लिए कितना उसमें बजट दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और लाभदायक वीडियो को देखने और जानने और सुनने के लिए चैनल से बने रहिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं सर प्रश्न। ठीक है, दिल्ली के रेल परियोजनाओं को के लिए 27 गुना अधिक बजट। क्या बोला है? 27 गुना अधिक बजट। जानिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि दिल्ली से जुड़ी रेल परियोजनाओं के लिए आम बजट 2024 से 25 में 2582 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान दिल्ली को औसतन 96 करोड़ बजट में मिलता था। इस प्रकार बजट में दिल्ली को 27 गुना बजट इस प्रकार बजट में दिल्ली को 27 गुना बजट मिला है। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 2009 से 2014 के दौरान दिल्ली में कोई नया ट्रैक नहीं बिछाया गया, जबकि पिछले 10 वर्षों में 2.4 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए गए और 4 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण 4 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। दिल्ली में 100% विद्युतीकरण हो चुका है, 100% विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब सभी तरह की जगह लाइन पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 4,778 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेल परियोजनाएं चल रहे हैं। दिल्ली में 17 RUBROV बनाए जा चुके हैं। ठीक है, बनाए जा चुके हैं। कि अमृत भारत विकसित रहे के स्टेशन, दिल्ली के आनंद विहार, विजयवासन, दिल्ली कैंट सराय, रोहिला, सहदरा, हजरत निजामुद्दीन, नेरेला, सब्जी मंडी, तिलक ब्रिज आदि रेलवे स्टेशनों को अमृत बाजार के तहत विकसित किया जा रहा है। अब जानते हैं हम लोग, यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में 42,000 करोड़ मिला है। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड को। इसमें बोला कि आम बजट 24 से 25 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए 42,312 करोड़ आवंटन किया गया है। कितना किया गया है? 42,312 करोड़ आवंटन किया गया है इस बार बजट में से किया गया है। यूपीए सरकार के अपेक्षाकृत इन में पिछले 10 वर्षों में बजट मतलब 25 से 30 गुना वृद्धि, इसके चलते 3 गुनी तेजी से नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। उत्तराखंड को छोड़कर उक्त सभी राज्यों में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। उत्तराखंड को छोड़कर रेलवे ट्रैक 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस तरह हमने जाना कि दिल्ली को रेल परियोजना के लिए 27 गुना अधिक बजट दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।